हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल बाबा टुनटुन टीवी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के बारे में। जिला फतेहपुर कब बना और यहां पर कितने तहसील हैं, ब्लॉक की संख्या कितनी है और यहां पर कुल कितने गांव हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फतेहपुर जिला जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय फतेहपुर शहर है। यह जिला प्रयागराज मंडल का एक हिस्सा है। फतेहपुर जिला कब बना? इससे पहले इलाहाबाद कानपुर जनपद में इसके परगना शामिल रहे हैं। 13 अगस्त 1826 में दोनों जिलों से 13 परगना अलग करके फतेहपुर जनपद की स्थापना की गई थी। 13 अगस्त 1826 में फतेहपुर जनपद की स्थापना की गई थी। और यहां पर अगर हम बात करें तहसील की, तो फतेहपुर जिले में कुल कितने तहसील हैं? वर्तमान में फतेहपुर जिले में कुल 3 तहसील की संख्या है, जिनके नाम हैं खागा, फतेहपुर सदर और बिंदकी। ये 3 तहसील की संख्या है फतेहपुर जिले में। यहां पर दोस्तों, अगर हम बात करें ब्लॉक की, फतेहपुर जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? फतेहपुर जिले में ब्लॉक की संख्या कितनी है? फतेहपुर जिले में वर्तमान में कुल 13 ब्लॉक की संख्या है, जिनके नाम है असोधर, बहुआ, भिटौरा, हसवा, तेलियानी, अमौली, देवमई, खजुहा, मलवा, एराया, धाता, हथगाम और विजयपुर। ये 13 ब्लॉक की संख्या है फतेहपुर जिले में। यहाँ पर अगर हम बात करें गांव की संख्या की, फतेहपुर जिले में कुल कितने गांव हैं? फतेहपुर जिले में वर्तमान में कुल 1521 गांव की संख्या है। फतेहपुर जिले में 20 पुलिस स्टेशन की संख्या है और फतेहपुर जिले का क्षेत्रफल 4152 वर्ग किमी में फैला हुआ है। और फतेहपुर जिले की जनसंख्या कितनी है? फतेहपुर जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 26,32,733 लोगों की है। यह जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी फतेहपुर जिले की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।